नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। विधेयक रोकने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सीएम का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा सांसद ने किया पलटवार, कहा मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि आदिवासी वर्ग को सही न्याय मिले। और कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर बोला हमला, कहा मतगणना में गड़बड़ी करना भाजपा का चरित्र रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपालों के विधेयक रोकने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राज्यपाल को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली रवाना होने से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी राज्यपालों के लिए है, यहाँ के राज्यपाल के लिए भी है। राज्यपाल को इसका संज्ञान लेना चाहिए और विधेयक को लेकर जो करना चाहते हैं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो सभी राज्यपालों के लिए है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उससे अलग तो है ही नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय को। अजय चंद्राकर के अवैध कब्जा वाले ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में वहां कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया और भाजपा यहां हल्ला कर रही है। भाजपा के लोग अधिकारी और कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं या खुद करते हैं और दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। उन पर ईडी और आईटी का इतना दबाव है कि उससे बड़ा दबाव किसी का नहीं हो सकता। घाट में मध्य प्रदेश में वहाँ के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया, अब भाजपा यहाँ हल्ला कर रही है कि अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मारते हैं, ये काम उनका है। कल भी मैंने कहा भाई ईडी आईटी कितना दबाव है कि उससे बड़ा दबाव किसी का नहीं हो सकता। राज्य का कर्ज बढ़ने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कुछ दिन पहले कर्ज लिया लेकिन छत्तीसगढ़ में वह स्थिति नहीं है। भाजपा शासित राज्यों से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेहतर है, केंद्र सरकार से भी तुलना करेंगे तो भी हमारी स्थिति बेहतर है। जो अभी मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही कर्ज लिया, मार्केट से कर्ज लिया है, छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से, और तो और केंद्र सरकार के से भी तुलना करेंगे तो उससे भी बेहतर हमारी स्थिति छत्तीसगढ़। विधेयक रोकने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मामले में सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि आदिवासी, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग को सही न्याय मिले। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि आदिवासी, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग हो उसको सही न्याय मिले। बिल को इन्होंने बहुमत के आधार पर पास किया और राज्यपाल से कभी चर्चा नहीं की। छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है जहां एक आदिवासी बहन जो राज्यपाल थी उसकी जिस प्रकार से बेइज्जती की गई, सार्वजनिक बयानबाजी किया, उनके पद का सम्मान नहीं किया। राज्यपाल जो है वह मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने वाले, उनको कुर्सी में बैठाने वाले रहते हैं, उस पद का भी सम्मान नहीं किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सवाल उठाते हुए सुनील सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री ने एक निजी आमदनी का जरिया बना दिया है। आर्थिक विकास का जिस प्रकार से दोहन हुआ है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने अपना 5 साल दिल्ली को खुश करने में लगा दिया। देखिए, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को जो है एक निजी आमदनी का जरिया बनाया। आर्थिक स्रोतों को जिस प्रकार से दोहन होकर विकास होना चाहिए उस ओर नहीं लगाया। उन्होंने केवल दिल्ली को खुश करने के लिए जो है अपने 5 साल समाप्त किए हैं। अगर अर्थनीति ठीक होगी सरकार की और एक व्यवस्थित होगी तो निश्चित तौर पे हम लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला सकते हैं, अच्छी योजनाओं से लाभ भी दिला सकते हैं। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में छेड़खानी, स्ट्रांग रूम में बदमाशी करना, मतगणना में गड़बड़ी करना भाजपा का चरित्र रहा है। भाजपा लगातार प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी पर दबाव का आरोप लगा रही है। इस पर पलटवार करते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी का शासन है वहां कलेक्टर ने सीधे बैलेट पेपर को ही खुलवा दिया था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है, इस कारण उसके नेता तमाम पटकथा लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी की जहां शासन है वहां पे कलेक्टर ने तो सीधे बैलेट पेपर को ही खुलवा दिया,
तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, दूसरी बात छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मालूम है कि वह बुरी तरीके से चुनाव हार रही है, तो उनके नेता तमाम तरीके की पटकथा लिख रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए जनता को ठगने के उद्देश्य से घोषणा करेंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए में धान की खरीदी करने की बात कर रहे हैं तो देश भर में 28 राज्य हैं, उन लोगों ने क्या गुनाह किया है? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि आप किसी एक राज्य में चुनाव लेने के लिए जनता को ठगने के उद्देश्य से कोई घोषणा करेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा ना। यदि छत्तीसगढ़ में आप 3100 रुपए धान की कीमत देने की बात कर रहे हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है, देश के बाकी 28 राज्यों के लोगों ने क्या गुनाह किया जो धान पैदा करते हैं? जहां के लोग, उत्तर प्रदेश का किसान 1200 में क्यों धान बेच रहा है, गुजरात का किसान क्यों 1400-1200 में धान बेच रहा है, मध्य प्रदेश में धान की कीमत 1500 रुपए क्यों है? तो इसका जवाब भाजपा को देना होगा। यदि आप छत्तीसगढ़ में 3100 दे सकते हैं तो पूरे देश में आपको ऐसा लगता है किसानों को इतना दिया जाना चाहिए जो जरूरी है देना? हम 3200 देने की बात किए, तो आप पूरे देश में कानून बनाइए। सुशील आनंद शुक्ला ने दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार में कर्मचारियों का शोषण हुआ है, जबकि कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों का एकमुश्त 27% की वृद्धि हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ। हमारी सरकार ने तो उनके वेतन में 27% की एकमुश्त बढ़ोतरी की, बहुत सारे अनियमित कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों के वर्गों को हमने नियमित भी करने का काम किया है। निश्चित तौर पे अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। अब की बार सरकार आने के बाद राज्य के संसाधनों के हिसाब से सबके हित में निर्णय लिया जाएगा। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जताते हुए कहा कि हर एक विशेषज्ञ, हर हाथ को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं, जिसने हमारे श्रमवीरों को सकुशल बाहर निकालने में अपना सर्वस्व दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि उस एक एक गिलहरी, हर एक विशेषज्ञ, हर उस हाथ को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं, जिसने हमारे श्रमवीरों को सकुशल बाहर निकालने में अपना सर्वस्व दिया है। असंख्य दुआएं, पर्वत देव की दया ने सुखद दृश्य को तरसती करोड़ों आंखों को आज खुशी से सिंचित किया है। देश को बधाई, सब सकुशल रहें, जय श्रमवीर। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उनके बयानों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि प्रदेश के किसान भाजपा की सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि देश का अभी भाग्य खुला है, जब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत मोदी सरकार ने की। वंदे भारत ट्रेन के सारे पार्ट्स भारत में बने हैं, तो यह बात कांग्रेस को खलेगी। हमेशा विदेशियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों को अपनाया है कांग्रेस ने। ऐसे सुदूर इलाकों पर भी ट्रेनों को गति देने का काम भाजपा सरकार द्वारा किया गया है। जहां कांग्रेस सरकार दशकों रही, वहां उद्घाटन नहीं किया गया। आज भारत देश में बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक बिछ चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल के कर्मचारियों के दबाव वाले बयान पर अमित चिमनानी ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों पर जो दबाव डाला गया है उसको लेकर भाजपा ने निर्वाचन आयोग पर शिकायत की थी। बीजापुर के कलेक्टर हटाने के लिए 4 बार भाजपा ने मांग की। नियम बदलने को लेकर भी जानकारी भाजपा को नहीं दी गई थी। 300 से अधिक शिकायत भाजपा ने की है, जिस पर कार्यवाही नहीं हुई है और मुख्यमंत्री अनर्गल बातें करते हैं। जनता अब सब जान चुकी है। अमित चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्ज माफी को लेकर भी बात कही गई है, लेकिन इसके बावजूद धान बेचने वाले किसान नहीं जा रहे हैं। अमित चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्ज माफी को लेकर भी बात कही गई है, लेकिन इसके बावजूद धान बेचने किसान नहीं जा रहे हैं। इसका अर्थ साफ है कि इस बार किसान भाजपा की सरकार बनने का इंतजार कर रही है। इसका अर्थ साफ है कि इस बार किसान भाजपा की सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। राजिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रोहित साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। राजिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रोहित साहू ने डीबी लाइव से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता, किसान, मजदूर, युवा व महिलाओं ने मोदी जी पर विश्वास किया है। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। राजिम विधानसभा के प्रत्याशी रोहित साहू जी हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे विभिन्न विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा सीधा सवाल रोहित साहू जी से है कि अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और जिसमें महिलाओं की जो वोटिंग है राजिम विधानसभा में लगभग सर्वाधिक हुआ है और जो वोटिंग की बात करते हैं 84% वोटिंग हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर, किस तरफ इशारा मिल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ के एक एक जनता माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास किए हैं। गांव के चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो,
या महिला हो, सभी वर्ग के लोग माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास किए हैं और मोदी जी के काम को देखे भी हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर है, छत्तीसगढ़ के लोग मन बना लिए छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोहित साहू जी। इसी के साथ आप बने रहिए देश बंधु के डिजिटल प्लेटफॉर्म में उमेश कुमार साहू के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।